अपने जबरदस्त फिजिक और एक्शन से सुर्खियां बटोरने वाले टाइगर श्रॉफ को क्या आपने कभी रोते हुए देखा है? जी हाँ, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो रो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसने टाइगर श्रॉफ को रुला दिया, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि टाइगर के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो रोने पर मजबूर हो गए। दरअसल टाइगर श्रॉफ को अपने बालों से बेहद प्यार है। अपनी डेब्यू फिल्म हीरोपंती में उनके लंबे बाल ही थे। टाइगर हर फिल्म में लंबे बालों के साथ ही दिखाई दिए, लेकिन बागी 2 के लिए उनके लुक में बदलाव किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें अपने बालों को कटवाना पड़ा। फिल्म बागी 2 के मेकिंग वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे टाइगर के बाल काटे जा रहे हैं, और उसके बाद दिशा पाटनी उनके लुक की तारीफ भी करती हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि टाइगर अपने बाल नहीं कटवाना चाहते थे, पर उन्होंने बताया कि वो अपने बॉसेस की बात को कभी नहीं टाल सकते थे। वीडियो में वो काफी घबराए दिख रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें भी अपना लुक पसंद आया है। इस वीडियो में फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान उन्हें बागी के लुक के लिए तैयार कर रहे हैं और उनके बालों की कुर्बानी मांग रहे हैं। टाइगर श्रॉफ कहते हैं कि वो अपने मेंटर साजिद नाडियाडवाला और अहमद खान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि अपने बाल कटवाते वक्त मैं काफी दुखी था। बागी 2 30 मार्च को रिलीज हो रही है। ये एक्शन से भरपूर फिल्म है। इसमें दिशा पाटनी, मनोज वाजपेयी, रणदीप हुड्डा और प्रतीक बब्बर लीड रोल में है। फिल्म की स्टार कास्ट बहुत दिलचस्प है और इसके एक्शन चर्चा में है। वैसे भी टाइगर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। टीम न्यूज़ नाउ।